हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सी एन सी के आडकम अंजन कुमार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम उसको कट कैसे करते। कभी भी जब मशीन बीच में से बंद हो जाता उसको कट करके और एक बार चलाना पड़ता, उसको हम कैसे कट करना, कहाँ से कट करना, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा मेन प्रोग्राम है, जो कि उसमें कुछ कटिंग कुछ नहीं हुआ, पूरा फुल प्रोग्राम है। फुल प्रोग्राम कैसे चलता पूरा देखना एक बार। ये हमारा फुल प्रोग्राम है। ओके, सपोज हमारा कोई भी ये स्टार्टिंग है, यहाँ से चल रहा है, पावर चला गया। ओके, ये कंप्लीट हो गया, ये चल रहा है अभी। सपोज ये हमारा ये जो एरिया है ना, ये एरिया कंप्लीट हो गया। बाद में सपोज पावर चला गया, उसको हम कैसे एडिट करना, इसको कैसे चलाना। सबसे पहले क्या हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे जो फोल्डर में प्रोग्राम है उसको क्या करना, वो प्रोग्राम को पहले कॉपी करना। ओके, वो प्रोग्राम को पहले कॉपी करना, नहीं तो इसको सेव आज करना। दो तरीके में कर सकते हैं। अगर हम इसको पहले कट करके बाद में सेव आज करते तो भी चलेगा, नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम में कुछ नहीं होना बोल तो पहले इसको हम कॉपी कर देंगे। ये कहाँ पे है, कौन सा फोल्डर में, वो देख के हम कॉपी करेंगे। कौन सा है प्रोग्राम, नाम क्या है, 12R.5 रॉप। उसको हम जाके, ये वाला है, इसको पहले कॉपी करेंगे। कॉपी किया, सेम वही फोल्डर में पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया, उसका झमेला ख़त्म है। इसको रीनेम कर देंगे, कौन सा कॉपी हो गया, ये वाला कॉपी हुआ, राइट क्लिक करके रीनेम। रीनेम में हम इसको कुछ भी अपना नाम दे सकते। मैं कट लगा देता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, कट बोल के लगा दिया। इसको ओपन करेंगे, उसको जो पहले जो किया ना उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो है ना इसको कुछ भी नहीं करेंगे, वो वाला ओपन करेंगे, कट वाला। कट वाला ओपन किया कि ये है कट वाला, कट। इसको हम अभी इसको एडिट करेंगे, कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार रनिंग करके देंगे, कैसे रन हो रहा है, कहाँ से कट करेंगे हम, कहाँ तक हो गया। ये पहले ये जो है ना, यहाँ पे देखो, बैक प्लॉट विंडो, यहाँ ये सिमको एडिट 5 है। अगर दूसरा रहता तो ये भी अलग अलग रहेगा, लेकिन बैक प्लॉट उससे जाना पड़ता, बैक प्लॉट विंडो। ये बैक प्लॉट विंडो यहाँ पे है, ये कॉर्नर में, नहीं तो हम यहाँ पे बैक प्लॉट में जाके भी कर सकते। यहाँ पे ऊपर में रहता बैक प्लॉट विंडो, यहाँ से भी ले सकते। शॉर्टकट यहाँ पे रहता, ये जो है बैक प्लॉट, नहीं तो ये बैक प्लॉट लिखा है, इसके अंदर जाके भी कर सकते। बैक प्लॉट, ये बैक प्लॉट विंडो। बैक प्लॉट विंडो आ गया। आने के बाद इधर हम प्ले करेंगे। प्ले बोलते जो ये है ना, ये इधर एक आरो जैसा दिया। अगर हम ये साइड राइट साइड में ले रहे तो स्टार्टिंग से चलता, स्टार्टिंग से ऐसा रनिंग होता। अगर इसको बैक ले रहे, लेफ्ट में ले रहे तो ये रिवर्स में जाएगा, राइट में लिए तो फॉरवर्ड में जाएगा। ओके, स्टार्टिंग से फॉरवर्ड चलेगा। अगर ये पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से अगर लेफ्ट ले रहे ये बैक बैकवर्ड जाएगा। ओके, पीछे चलेगा। सबसे पहले हम जब कटिंग करेंगे ना, पूरा ऊपर लेके जाके एक बार ऊपर में ऐसा कहाँ पे भी क्लिक कर देंगे ऊपर में। ऊपर में क्लिक करने के बाद हम इसको जस्ट ऐसा राइट में थोड़ा ले लेंगे, स्लो। कितना ज़्यादा लिया तो उतना फास्ट चलेगा वो, स्लो। ये ऐसा है, ये स्टॉप होता, ये पॉज होता, ये फॉरवर्ड होता। ऐसा माउस रखे तभी दिख जाएगा क्या क्या है इसको। ये स्टॉप है, ये पॉज है। पॉज हम अगर कट करना है तो पॉज कर देंगे, बाद में हम कट करेंगे। स्टॉप करें तो पूरा स्टॉप हो जाता। स्टॉप नहीं करना, प्ले कर दिया, बाद में पॉज करना पड़ता। अगर हम हमारे को ये कट करना है, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, दूसरा से हमारे को चलाना है पूरा, इसको क्या करना, थोड़ा फास्ट करेंगे, रनिंग हो जाएगा ऐसा।
ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हो गया ना, फिर रनिंग होके जब ऊपर उठ के आएगा ना, अभी ऊपर उठ के आया, देखो ज़्यादा चलोगे रनिंग हो गया, लेकिन हमारे को उतना नहीं चाहिए, और थोड़ा बैक जाना, इसको ये पॉइंट को पकड़ के ऐसे बैक लेके जाना, अभी बैक चल रहे, जब उठेगा वो टाइम में, अभी उठ रहे तो देखो अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये देखो ये 50 हम यहाँ पे ऊपर उठा, उठ के ये आ रहा है, हम यहाँ से नहीं, 50 हम ऊपर उठ रहे हैं ना, उससे कट कर देंगे, यहाँ पे 50 हम ऊपर उठ रहे हैं उससे ऊपर कट करेंगे, अभी ये हमारे को चाहिए, XY चाहिए, ये XY कंपलसरी रहना, यहाँ पे ऊपर उठ रहे हैं, यहाँ पे XY है, तो ये हम यहाँ से ये 50 से ऊपर कट करेंगे, 50 से ऊपर कट करना बोल, तो हम क्या करना, इसको पकड़ के ऐसा जस्ट माउस का लेफ्ट बटन जो है ना उसको पकड़ के ऐसा ड्रैग करना, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, दो लाइन सिलेक्ट कर दे तो बस होता, वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, दो लाइन सिलेक्ट कर दिया, फिर ये जो है ना स्क्रॉल, इसको पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, ये स्क्रॉल को पकड़ के सेम लेफ्ट की पकड़ के, लेफ्ट बटन, लेफ्ट साइड माउस का जो लेफ्ट साइड बटन है उसको पकड़ के ऐसा सेम ऊपर लेके गया, ऐसे ऊपर लेके गया, कहाँ तक तो कट करना है हमारे को, पहले जो XY है वो पूरा रखना, ये कोड रखना, M6 टूल सब कुछ रखना, ये H ये भी रखना, ये रैपिड तक रखना, ये जब यहाँ से डाउन हो रहा है ना यहाँ तक, यहाँ से कट करना, ये रैपिड तक रख दिया, यहाँ से जब स्टार्टिंग है ना, यहाँ से स्टार्टिंग है तो यहाँ तक कट करना, यहाँ तक कट करना मतलब हम नीचे दो लाइन सिलेक्ट किया था वो भी सिलेक्शन में है, अभी इधर उधर क्लिक करते वो सिलेक्शन चला जाता, ओके अभी देखो हम यहाँ पे ऐसा ऐसा क्लिक करें तो वो सिलेक्शन चला जाएगा, नहीं रहेगा, अगर हम कुछ भी नहीं करके डायरेक्ट आके शिफ्ट पकड़ के सिलेक्शन करे तो वो नहीं जाएगा, अभी चला गया, अभी इधर उधर क्लिक करे तो सिर्फ वो सिलेक्शन चला जाता, फिर एक बार ऐसे जाएंगे और एक बार रन करेंगे, रन हो गया, रन करते क्या आता, ये भी दिखेगा कैसा कट कर रहे, कहाँ पे कट कर रहे, जब ऊपर उठेगा वो टाइम है, ऊपर उठा वो टाइम में सिलेक्शन करना, नहीं तो और एक मेथड है कैसा, सपोज ये पूरा कंप्लीट हो गया, वो कभी कभी काम करता कभी कभी काम नहीं करता, ये ऊपर उठ रहा है ना यहाँ पे, ये 50 ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, ओके कहाँ से कट करना, वो कभी कभी आता कभी कभी नहीं आता, ये डबल क्लिक कर दो यहाँ से कट करना, ये आ गया, यहाँ से हमारे को सिलेक्ट करना, खाली दो लाइन माउस पकड़ के दो लाइन सिलेक्ट कर दिया, अभी ऊपर लेके जाना, अभी स्क्रॉल कर दिया इसको, ऐसा स्क्रॉल किया कहाँ तक कट करना, कहाँ तक कट करना, ये यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट है जेड, ये तो रैपिड में आएगा, जेड डाउन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना बोलता, अभी वो सिलेक्शन है, मैं कहाँ पे भी क्लिक नहीं किया, जस्ट इसको ऊपर ले गया, क्लिक नहीं करना, वो सिंपल मेथड है, शिफ्ट पकड़ के दो लाइन ऐसा शिफ्ट पकड़ के ऐसा आके कहाँ तक कट करना, वहाँ वहाँ पे आके ऐसा क्लिक करना, पूरा सिलेक्ट हो जाता, नीचे से जी जहाँ से सिलेक्ट किया वहाँ से पूरा सिलेक्ट हो जाता, सिलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड से डिलीट मार सकते, नहीं तो राइट क्लिक करके भी डिलीट मार सकते, अभी राइट क्लिक करके कट आता, राइट क्लिक करे तो ये कट आएगा, नहीं तो कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट मार सकते, कट हो गया, कहाँ से कट करना, अभी हमारे को ये थोड़ा ज़्यादा करेंगे, XY है ना, ये XY नहीं रहे ना, इसका रिप्लेस में ये जो पहले का, ये पहले का ये XY है, अभी कट करना, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया ना, अभी ये XY का ये दिख रहा है, हम क्या करना, अभी कहाँ से चलाना, वो XY को कॉपी करना, ये जो है ना इसको, ये लाइन को ऐसा माउस को, माउस जो लेफ्ट साइड बटन है उसको एक बार क्लिक करके पकड़ के ऐसे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक यहाँ से कॉपी, फिर ये जो ऊपर है ना ये इसको XY का जगह में प्लेस करना, दूसरा कुछ भी नहीं करना, ओनली XY जहाँ पे है उधर इसको ऐसा सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट ऐसा यहाँ पे क्लिक करके भी ऐसा डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया XY डिलीट हो गया, नेक्स्ट राइट क्लिक पेस्ट, ये जो XY है ना ये नीचे का, ये XY यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे आने के बाद ये जरूरत नहीं है हमारे को, ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये जो दो लाइन है ना ये निकल देंगे, सिलेक्ट करके ये निकल देंगे, पूरा कट कर दिया। ये यहाँ से स्टार्ट है हमारा, अभी कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट है। और बोलता है हम यहाँ पे फीड लगा सकते हैं, ऑलरेडी फीड है, अगर 10 mm में फीड लगाना बोलते हैं यहाँ पे G1 लगा के फीड लगा सकते हैं। G1 लगा दिया, यहाँ पे फीड कितना सही है, 1000 फीड। ये हो गया कटिंग। कटिंग होने के बाद यहाँ पे सिंपल सेव, यहाँ पे सेव कर सकते, नहीं तो Ctrl+S ऐसे भी सेव कर सकते। अभी सेव होने के बाद ये देखो, अभी देखो सेव ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ भी एडिट करते सेव आता। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख दिया C, फिर निकल दिया, अभी देखो सेव ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेव कर सकते, नहीं तो Ctrl+S सेव कर सकते, नहीं तो अंदर फाइल में जाके सेव कर सकते। ये हो गया एक मेथड। अगर कुछ हम कॉपी नहीं करके डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल में जाके सेव आज करना पड़ता, सेव आज करे तो दूसरा एक फोल्डर हमारे को नाम देना पड़ता, नाम दे के सेव करना पड़ता। ये हो गया एक मेथड कटिंग का। अभी देखो यहाँ से ऐसा ऐसा रनिंग होता, जो ये के हो गया था वो रनिंग नहीं हो रहा है, बाकी तीन जो है वो रनिंग हो रहे हैं। ये हो गया एक मेथड। और एक है ये सपोज ये अलग अलग है तो ऐसा कट कर दिया। नेक्स्ट सपोज हमारा पास ऐसा वाला एक है, इसको कैसे कट करना, वो तो अलग अलग था, इसको भी ऐसे ही कट करना, कहाँ पे उठ रहा है देखना। ये रफिंग है, रफिंग में कट करना आसान है, तो फिनिशिंग में थोड़ा देख के करना पड़ता। ये कहाँ से कहाँ कहाँ जाके उठ रहा है वो देखना पड़ता थोड़ा। ये क्या करना, प्ले जस्ट राइट में ऐसा खींचना थोड़ा हल्का, ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा ज़्यादा फास्ट रनिंग हो जाता मालूम नहीं चलता। सपोज हमारा अभी देखो 85 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जेड भी दिखा देगा, ये जो है ना यहाँ पे जेड दिखा देगा, अभी एक बार मार्किंग करके दिखा रहे, राइट एंगल ये है ना, यहाँ पे जेड दिखा देगा आपको, जेड भी यहाँ पे देख सकते कितना कट हो रहा है, कहाँ कहाँ तक डिप गया, कहाँ से कट करना, वो भी जेड हम यहाँ से देख सकते। अभी डाउन, अभी 85 से स्टार्ट है, सपोज हमारा 80 से कट करना, हाई हम हमारा डिप गया 80 से कट करना, ये ऊपर से प्लस बोल तो ऊपर से चल रहा है, जेड हमारा नीचे है, प्लस दिखा रहे ना, 84 हो गया। 85, 80 से हम कट करना, 85 से रनिंग है, हाई एम हमारा कट हो गया, डेप्थ हो चला गया 83 हो गया, अभी 80 होगा तो हम 80 से 81 हो जाना, होने के बाद 80 से कट कर, जब 80 होगा चलेगा वो टाइम से कट करना हमारे को। 81 हो गया, अभी वो देखना जेड जेड वहाँ पे देखते रहना कितना डेप्थ जा रहा है, अभी 80 हो गया। 80 से हम रनिंग करना, 80 से रनिंग करना बोलते, अब 80 से कट करना, अभी हम पीछे आना, जब 81 होने के बाद ऊपर उठेगा वो टाइम में हम उसको, 81 हो गया, 81 होने के बाद थोड़ा इधर उधर होता देखना पड़ता। अभी पॉज कर देना, पॉज कर दिया, अभी यहाँ से उठ रहे 87 उठ रहे, उठने के बाद ये 100 जा रहे, बाद में 82 रैपिड में आ रहे, आने के बाद फिर रैंप में जा रहे, रैंप में जाने के बाद 80 से रन आ रहे, तो हमारा कहाँ से ये जो 87 ऊपर उठ रहा है ना वहाँ से कट करना, तो यहाँ से ये नीचे का 100 छोड़ के 87 जहाँ पे ऊपर उठ रहा है यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे दो लाइन। ऐसा भी हम एक ही बार सिलेक्ट करके भी जा सकते हैं, अभी सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट पकड़ के RO बटन है ना, RO कीबोर्ड में RO रहता, उसको भी ले सकते, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट पकड़ होम में जा सकते। अगर ये हमारे को ये व्यू दिख रहा है तो होम में नहीं जा सकते, इसको क्लोज करके जाना पड़ता, क्लोज करना बोलते यहाँ पे बैक प्लॉट क्लोज करना, नहीं तो यहाँ पे जाके बैक प्लॉट क्लोज बैक प्लॉट। ये हो गया, अभी ये सिलेक्ट कर दिया हम, अभी पूरा स्टार्टिंग में जाना बोलते Ctrl+Shift दो बटन को पकड़ के, यहाँ पे कीबोर्ड में होम बटन रहता, होम साइड में होम रहता, होम बोलते जब जो कीबोर्ड और नंबरिंग पैनल रहता ना वहाँ पे रहता होम, अगर व्यू दिख रहा है तो नहीं जाएगा,
व्यू नहीं दिखे तो व्यू को क्लोज करे तो जाएगा, होम बटन पकड़ दिया। ओके शिफ्ट कंट्रोल दोनों पकड़ने के बाद होम बटन प्रेस करना, ऊपर देखो पूरा सिलेक्ट हो गया। ओके पूरा सिलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल बटन जो है ना कीबोर्ड में उसको छोड़ देंगे, शिफ्ट पकड़ के रखेंगे। शिफ्ट पकड़ के रखने के बाद आर जो है ना वो हम नीचे नीचे करके लाएंगे, नहीं तो कहाँ पे भी ऐसा माउस जाके क्लिक कर सकते। ओके माउस में जाके ऐसा कहाँ पे भी कहाँ तक हो ना वो ऐसा हम क्लिक कर सकते हैं, वहाँ तक सिलेक्ट होता, नहीं तो आर है ना कीबोर्ड में आर बटन है उसको भी प्रेस करके आगे पीछे ले सकते, ऊपर नीचे सिलेक्शन कर सकते ऐसा कीबोर्ड से। ओके ऐसा यहाँ तक कट करना हमारे को, यहाँ तक सिलेक्शन हो गया, ये ऊपर है ये जरूरत नहीं हमारे को, 87 से कट कर देंगे। ओके 87 से कट करेंगे, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डिलीट, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिलीट हो गया तो जो जरूरत नहीं वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो है ना एक्स वाई ये पोजीशन हमारे को जो 82 से पहले है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ये वाला, ये कॉपी किया, सिलेक्ट करके कॉपी किया। ओके सेम सिलेक्शन माउस का लेफ्ट की पकड़ के ये सिलेक्शन करने को आता, हम ऐसा सिलेक्शन करके इसको ऊपर पेस्ट कर सकते, नहीं तो इसको कट करके भी पेस्ट कर सकते। कट कर दिया, लास्ट यहाँ तक सिलेक्शन है, अभी राइट क्लिक पेस्ट, ये जो है ना ये एक सही ऊपर आ गया। ओके ये रखना तो रखो, नहीं तो निकलना तो निकल, ये निकल दो ये जरूरत नहीं क्योंकि हो गया हमारा। नेक्स्ट ये जो रैपिड है इसको हम क्या करेंगे, G1 लगा देंगे, यहाँ पे G1 लगा दिया और यहाँ पे फीड लगा दिया, फीड लगाया था सेफ्टी, सेफ्टी पर्पज। इससे पहले क्या, अभी सेव करेंगे, इससे पहले क्या हम कॉपी करके उसको एडिट किया था, अभी हम इसको कॉपी नहीं किया तो हम सेव यहाँ से सेव नहीं करेंगे। सेव करें तो क्या होता, जो हम जिसको एडिट कर रहे जो मेन प्रोग्राम है उसमें सेव हो जाता, वो कट हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव आज करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी सेव आज है, सेव ऑल है, इसमें नहीं करेंगे, फाइल में जाके सेव आज करेंगे। ओके सेव आज, इसमें नाम दूसरा दे देंगे, यहाँ पे कट लिख देंगे। ओके कट, सेम फोल्डर में सेव हो जाता, कट लिखने के बाद यहाँ पे सेव। ओके यह भी हमारा हो गया, अभी देखेंगे ऐसा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी एक बार प्ले करेंगे। अभी देखो अब ये हो गया, ओके देखो 80 से यहाँ पे देखो जेड 80 से अभी स्टार्ट हो रहा है, ये जेड कितना है 80। ओके 80 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ तक हमारे को चाहिए था वहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी हम ऐसा कट कर सकते, अगर और एक है कट करना बोलते अलग अलग, हम ऐसा भी कट कर सकते। और दूसरा क्या है, और एक देखेंगे, अगर सपोज ऐसा है ऐसा है, वो तो रफिंग था, ये फिनिशिंग है, फिनिशिंग ऐसा ऐसा कैसे करेंगे ये भी देखना, जेड कितना है, जेड कितना गया वो हिसाब से कट करना। ओके ऐसे प्ले करके देखेंगे हम, ऐसा ओपन करें तो हमारे को क्या होता, सिंपल हो जाता, जेड हमारे को दिखा देगा, देखो अभी 0.5 से स्टार्ट हो गया, 1 mm, 1.5, सपोज हमारा 10 mm डेप्थ चला गया, बाद में हम कट करना है, 10 mm डेप्थ तक चला गया, अभी देखो 9.5 हो गया, अभी 10 से चलाना हमारे को, 10 से चलाना, 9.5 गया तो हम उसको कट करना। अभी ये क्या देखना, एक्स वाई कहाँ पे है वो देखना। ओके ये एक्स वाई अभी कहाँ से जेड डाउन हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों रहना, वो टाइम में कट करना। अभी देखो थोड़ा बैक लेके आएगा, बैक आ रहा है, पॉज कर दिया, देखो यहाँ पे जेड -10 mm, इससे पहले जो एक्स वाई अभी -10 mm है ना जेड, इसका जो ऊपर का एक्स वाई रहता ना वहाँ से कट करना। ओके ये जेड डाउन होता, पहले एक्स वाई आता बाद में जेड आता, पहले एक्स वाई पोजिशन लेना बाद में जेड डाउन होना। ओके अभी ये जो है ना एक्स वाई, ये लाइन, ये लाइन हम छोड़ देना,
उसका ऊपर से कट करना, ऊपर से कट करना, एक बार क्या करना, सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, गैप हो गया, गैप हो गया तो सिलेक्शन करने के लिए सिंपल होता। ये हम ऐसे यहाँ से सिलेक्ट किया। और एक बात क्या है, पहले हम क्या किया, इसको व्यू है ना, व्यू को हम क्या किया, बैकप्लॉट क्लोज करके डायरेक्ट होम बटन प्रेस किया तो वो ऊपर चला गया। अगर ऐसा नहीं करके व्यू भी हमारे को चाहिए और ये भी सिलेक्शन होना, ये क्या करना, अब ये लाइन ऐसा सिलेक्शन करके शिफ्ट पकड़ के रखना, शिफ्ट पकड़ के रख के आरो जो बटन है ना वो हम पेज बटन भी दबा सकते हैं, पेज अगर ज़्यादा सिलेक्शन करना है तो पेज दबाना, हम थोड़ा सिलेक्शन करना तो शिफ्ट पकड़ के आरो है ना वो आरो का बटन, एक 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 लाइन सिलेक्ट होता। अगर पेज पेज में जा रहा है ना, पेज में पेज भी है ना, पेज अप पेज डाउन पेज, पेज अप पेज डाउन, उसको भी हम सिलेक्शन करके जा सकते हैं ऐसा, एक एक बार एक पेज कितना होता वो हिसाब से सिलेक्शन होता। ओके, पेज पेज ऊपर अप डाउन पेज, अभी सिलेक्शन हो गया, पूरा तो सिलेक्शन हो गया। हम क्या करना, शिफ्ट पकड़ के माउस में क्लिक करे तो चलता, नहीं तो आरओ में जो आरओ बटन है ना कीबोर्ड का, उसमें एक 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 लाइन ऐसा हम नीचे नीचे आ सकते, नहीं तो ऊपर होना बोलते ऊपर जा सकते, नीचे आना बोलते नीचे भी जा सकते। कहाँ तक, अभी जेड 50 भाई हमारे को चाहिए, ऊपर है प्लस में है वो रख रख देंगे, माइनस जहाँ से वहाँ से निकल देंगे। अभी 0.5 तक हम सिलेक्शन कर दिया, अभी कीबोर्ड से हम डिलीट प्रेस किया, डिलीट प्रेस किया तो अभी डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद हम ये जो एक्स आई है ना, ये जो एक्स आई है ना, यहाँ से पॉज कर देंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी, नहीं तो कट भी कर सकते, कट करे तो सपोज कुछ हो गया तो फिर अंडू मारना पड़ता। सबसे अच्छा क्या है, हम देखने के लिए इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम देख सकते इसका इसका बराबर है कि नहीं है। ओके, ये सिलेक्ट किया, इसका ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट ऐसे भी कर सकते। ओके, पेस्ट करने के बाद एक बार चेक कर देना, ये जो है हमारा है ना, ये जो एक्स आई है, ये एक्स आई सेम है कि नहीं। ओके, सेम है तो इसका हम ये जो लाइन है ये ज़रूरत नहीं, निकल दो, नहीं निकल तो भी चलेगा, निकल देते अच्छा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी अगर फीड देना है, ये क्या 1000 फीड है, अगर ये डाउन होने का फीड है, अगर हमारे को ज़्यादा फीड में चलाना, अभी फीड है यहाँ पे नहीं है क्योंकि कट हो गया हमारा फीड। ओके, यहाँ पे फीड हम दे सकते, फीड फीड हम यहाँ पे सपोज 2000 दे दिया। ओके, 2000 दिया, यहाँ पे डाउन होने का फीड 1000 में 50 तक आया, बाद में 10 तक आने के लिए यहाँ पे भी एक फीड लगा देंगे 500। ओके, ऐसा हम कट कर सकते, अगर एक बार प्ले करके देखेंगे कैसे रन हो रहा है, कहाँ से, अभी देखो 10 माइनस 10 से रन हो गया, यहाँ से माइनस 10 यहाँ से हमारा रन हो गया। ओके ओके फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा प्रोग्राम कट करना। ओके, बहुत मेरा व्यूअर है बहुत पूछ रहे वो प्रोग्राम कैसे कट करना, तो हम आज ये वीडियो बना दिया प्रोग्राम कैसे कट करना। नेक्स्ट हम प्रोग्राम कट करने के बाद कंपलसरी सेव करना। ओके, सेव नहीं तो सेव आज, अगर पहले कॉपी कर दिया तो सेव करना, कॉपी नहीं किया तो सेव आज करके उसका नाम दूसरा दे देना। ओके, कट, ताकि जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। ओके, हो गया। ओके, आज का ये वीडियो हमारा प्रोग्राम कट कैसे करना, और आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे को कमेंट जरूर करना, और कैसे समझ में आता और कहाँ पे समझ में नहीं आया वो भी थोड़ा कमेंट करो, मैं वो बता देगा। ओके ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना, थैंक यू। वीडियो देखे तो पूरा देखो, जो बीच बीच में गैप गैप करके मत देखो, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो और एक बार दो तीन बार देखे तो ज़रूर समझ में आएगा। हाँ, और एक क्या है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब अगर जो कोई नया देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो डालता हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा। अगर बिना ढूंढे आपको बिना मेहनत किए आपके पास आपका सलूशन पहुँचेगा। ओके ओके फ्रेंड, थैंक यू।